सो ही वेलकम। जैसे कि अगर आपको 10वीं मंजिल पे जानी है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 10वीं मंजिल पे नहीं जाओगे तो आप क्या करोगे, पहली सी पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे, सेकंड सीढ़ी पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करते करते आप स्टेप बाय स्टेप उस 10वीं मंजिल पे आप पहुंचोगे। वैसे ही अगर आपको एक्सेल के अंदर एडवांस लेवल पे जाना है तो आपके बेसिक्स भी आपके साथ के साथ क्लियर होने चाहिए। तो मैंने इनमें से कुछ 10 बिल्कुल बिल्कुल बिग बेसिक्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो फर्स्ट है हमारा हाउ टू बोल्ड, हाउ टू इटैलिक, हाउ टू अंडरलाइन। तो ये सारे 1 to 10 हम आज की वीडियो पे करने वाले हैं। तो ये वीडियो शायद लंबी हो सकती है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ टू बोल्ड। अब हाउ टू बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है कि आपका दिए गए डेटा उसको बोल्ड करने के लिए, उसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए, तो हम बोल्ड यूज करते हैं बोल्ड का। तो अब दो सीट है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। हम जाएंगे सॉल्यूशन वाली सीट पे। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये एक टेबल है यहाँ पे आपको ये रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर देना, या फिर आप होम टैब के अंदर जो वहाँ पे बी है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो सब कॉलम का नाम ही ये था, मेक दिस कॉलम बोल्ड। तो हमने इसको कर दिया है बोल्ड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रेड। जो जो हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे मैं उसको मैं रेड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू इटैली। इटैली का मतलब क्या होता है? इटैली का मतलब होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा। तो हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे है होम टैब के अंदर बोल्ड के साइड में इटैली का, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखो क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ये हो गया हमारा इटैली। फटाफट ले जाते क्वेश्चन वाली सीट के अंदर। अब इटैलिक वाले इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ टू अंडरलाइन। अब अंडरलाइन कैसे करें, अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है मेक दिस कॉलम अंडरलाइन, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो आपको फिर कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना है, देन आपको यहाँ पे जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के साथ साइड में है हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये सारे टेक्स्ट हमारे अंडरलाइन हो चुके हैं। और फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी मैं रेड कलर कर देता हूँ कलर। देन यहाँ पर है हाउ टू फिल कलर। अब कलर फिल कैसे करें, अब कलर फिल करने का मतलब क्या है, कन्फ्यूज मत होना, कलर फिल का मतलब क्या है, टेक्स्ट में करना है या फिर कॉलम में करना है, टेक्स्ट में करना है या फिर बैकग्राउंड में करना है। अगर आपको कहीं पर फिल कलर आ जाए, फिल कलर का मतलब क्या है, उसके बैकग्राउंड में आपको कलर करना है। ये फिल कलर मैंने यहाँ पे ले लिया येलो कलर, येलो कलर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये हो गया हमारा फिल कलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी मैं कर देता हूँ रेड कलर से मार्क। यहाँ पे हाउ टू कलर अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को हम कैसे कलर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कर्सर यहाँ पे रखेंगे और आप कंट्रोल से डाउन एरो, एंड आपको जो भी कलर चाहिए, डिजायर्ड कलर आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया रेड कलर। तो देखो यहाँ पे ये रेड हो चुका है। ये क्या था, फिल कलर। फिल कलर क्या होता है, बैकग्राउंड में आता है, और जो फॉन्ट कलर होता है वो आता है फॉन्ट के अंदर, टेक्स्ट के ऊपर। देन नेक्स्ट है हमारा, इसको भी मैं फटाफट से कलर करता हूँ रेड कलर में। यहाँ पर है हाउ टू इंक्रीज साइज। यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट का जो एफ कॉलम के अंदर यहाँ पे हेडिंग भी दी गई है, इंक्रीज टेक्स्ट साइज। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंड देन यहाँ पर है इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप यहाँ पे कर्सर रख के इसको बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ नॉर्मली 16 या फिर 14 साइज में यहाँ पे ले लिया। इनका साइज है यहाँ पे आप देख सकते हो 11 बाकी टेक्स्ट का, और इस टेक्स्ट का साइज है 14। तो हमने इसको यूज करा है इंक्रीज टेक्स्ट के थ्रू, हमने इसको इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ टू डिक्रीज साइज। अब जैसे कि यहाँ पे इस कॉलम में लिखा हुआ डिक्रीज टेक्स्ट साइज, अब इसके टेक्स्ट के साइज को हमें डिक्रीज करना है। तो इंक्रीज के साइड में ही डिक्रीज है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। आप कंपैरिजन देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा है, इसका साइज है 14 एंड इसका साइज है ओनली 18। इंक्रीज टेक्स्ट साइज एंड डिक्रीज टेक्स्ट साइज, इसको भी मैं कर देता हूँ रेड। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कॉपी। हाउ टू कॉपी, अब हमें कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है, एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, कॉपी कॉलम ए एंड पेस्ट हियर। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉपी कॉलम ए एंड पेस्ट हियर। कॉलम ए को कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट करना। तो हम फटाफट जाते हैं कॉलम ए के अंदर, यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल प्लस सी, एंड आपको जाना है यहाँ पे
जो ब्लैंक है और यहाँ पे हमें करना है कंट्रोल प्लस वी या फिर इस पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने इस पेस्ट का यूज करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड फटाफट से चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। तो इस जो ये दोनों हमने यहाँ पे कर लिए तो मैं दोनों को एक साथ रेड कलर कर देता हूँ एंड लास्ट में हमारा हाउ टू ऐड बॉर्डर। अभी यहाँ पे बॉर्डर दिया गया हुआ, अगर यहाँ पे बॉर्डर ना दिया हो, सपोज करो कि अगर यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया गया, मैंने इस कॉलम में से बॉर्डर हटा दिए, तो आप सपोज करो कि अगर आपके पास ऐसे कोई इनकम्प्लीट बॉर्डर वाली कॉलम है, तो आप अगर आपको उस पर बॉर्डर लगाना है तो आप क्या करोगे, जर्नलिस्ट पे आप कर्सर रखोगे एंड कंट्रोल डाउन एरो एंड आपको यहाँ पे जाके आपको जो भी आपको बॉर्डर चाहिए आप ले सकते हो। बॉटम बॉर्डर कर दो, बॉटम में आ जाएगा, टॉप लेफ्ट राइट, फिलहाल हमें चाहिए ऑल बॉर्डर्स। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी टाइप्स के बॉर्डर के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द ही इन सभी टाइप्स के बॉर्डर पे एक एडवांस वीडियो लेके जरूर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स आ चुके हैं, तो हमने कुछ इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन करे हैं और फटाफट से हम क्वेश्चन 10 को भी यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर देते हैं। और हमने कुछ इस टाइप से हमने ये एक्सेल के ये कुल 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेक दिस कॉलम बोल्ड, सेकेंड मेक दिस कॉलम इटैलिक, मेक दिस कॉलम अंडरलाइन, फिल द कलर इन दिस कॉलम एंड देन एड रेड कलर इन द टेक्स्ट, इंक्रीज टेक्स्ट साइज, डिक्रीज टेक्स्ट साइज, कॉपी ए एंड पेस्ट किया। हमने क्या करा कि वी कॉपी कॉलम ए एंड देन पेस्ट इन एच कॉलम एंड देन वी डन दिस क्वेश्चन एड बॉर्डर इन दिस कॉलम, वी पुट ऑल बॉर्डर्स इन दैट आई कॉलम। सो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको इनमें किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक न्यू सेपरेट वीडियो ला के आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सो डेट इज़ फॉर टुडे गाइस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।